हेलो साथियों, देख सकते हैं आज हमारे पास एक बेस्टन का 32 इंच का टीवी आया हुआ है। तो मैं इसको पहले ऑन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। ये दरअसल हमारे एक मित्र है जो बगल में ही उनका शॉप है, टेक्नीशियन है वो भी, तो उनके पास से आया हुआ है ये हमारे पास। तो देखिए, हमने इसको ऑन तो कर दिया लेकिन इसमें अभी नो डिस्प्ले का इशू है, कोई भी ग्राफिक्स नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो सेट को खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की जो भी इसका कंडीशन है वो आपको बताते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने सेट को खोल लिया है। तो ये मार्केट वाला असेंबल टीवी है, वेस्टर्न वाले ने इसे अपने नाम से बेच रहे हैं। ये तो देख सकते हैं, ये जो टेक्नीशियन भाई हमारे, इन्होंने इसका जो स्केलर है ये सब कुछ इसमें कटिंग वगैरह करके देख चुके हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखिए इसके जो सीके भी पॉइंट है सब कटिंग कर रखे हैं। इधर भी देख सकते हैं, और मैं दिखाता हूं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है। अभी भी ये नो डिस्प्ले में है, तो उसके पहले हम लोग वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि इस स्केलर में फॉल्ट कहाँ से आता है ये नो डिस्प्ले का। इन्होंने तो खासकर सारे पॉइंट वगैरह कट कर रखे हैं सीके बी के, पहले राइट साइड कट किया होगा, नहीं हुआ, फिर इन्होंने लेफ्ट साइड भी कट किया बट नहीं हुआ। अब हम इसको ट्राई करते हैं अपने हैंड पे। तो दोस्तों पहले तो इसका हम लोग बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे 12 वोल्ट। आइए देखते हैं, सेट हमारा ऑन है, देख सकते हैं बैक लाइट है जला हुआ है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए इसका 12 वोल्ट चेक करते हैं, 12 वोल्ट इसका ओके है दोस्तों, हमारा 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, 12 वोल्ट में कोई कमी नहीं है। अब इसके एबीडीडी पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए ये वाला एबीडीडी टेस्ट पॉइंट है, पर इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, वी ऑन का भी कोई भी वोल्टेज नहीं है, विजुअल भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों अभी ये डीसी टू डीसी आईसी हमारा देखिए प्रोटेक्शन मोड में है। इसका जो 3.3 वोल्ट है वो चेक करते हैं एक बार, इसका दोस्तों देखिए 3.3 वोल्ट भी मिसिंग है इसमें, 3.3 वोल्ट भी नहीं बन रहा है। तो 3.3 वोल्ट ओके। तो आइए देखते हैं इसमें बाकी और क्या दिक्कत है। तो दोस्तों जैसे कि ये आईसी हमारा देख सकते हैं, ये SM58, ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए SM4186 लगा हुआ है, जो कि ज़्यादातर दोस्तों अगर इसमें CKB का अगर सिग्नल शॉर्ट भी होगा तो ये आईसी प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है। आईसी बहुत कम ख़राब होता है, ये जल जाए बर्न हो जाए तब जाके इसमें दिक्कत आता है। तो हम सबसे पहले इस आईसी का प्रोटेक्शन मोड हटाएंगे, और प्रोटेक्शन मोड कैसे हटाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसका प्रोटेक्शन मोड कैसे हटाएंगे हम। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए सबको सबके पास 4148 जीना डायोड सबको पता है, जीना डायोड होता है तो वह हर टेक्नीशियन के पास होता ही है काम वाम करने के लिए। देखिए हमने ये जीनर लिया हुआ है, जीनर डायोड ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैं प्रोटेक्शन मोड कैसे तोड़ूंगा। तो आइए दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो पर। देखिए दोस्तों हमने जो जीनर डायोड आपको दिखाया था, ये हमने 12 वोल्ट से लेके सीधे ABDD के टेस्ट पॉइंट पर, ABDD के पॉइंट पर हमने दिया है इसका। तो आइए अब हम लोग इसका वोल्टेज चेक करते हैं और क्या कंडीशन में है ये, प्रोटेक्शन मोड से खुला या नहीं खुला। देखिए हमने अभी इसको कुछ नहीं छेड़ा, ये जैसा है जो CKB लाइन इन्होंने कट कर रखा था जो है वैसा ही है, हमने अभी इसमें कुछ नहीं छेड़ा है। पहले हम अपना ये वाला जो तरीका है इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने इसका लाइट लगा दिया पावर प्लग। अब हमारा सेट देखते हैं, देखिए बैकलाइट जल गया है, सेट ऑन हो गया हमारा। अब हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन में है इसका। तो ये देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट हम इसका ABDD वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों,
हमारे प्रोडक्शन से निकल गया आईसी, एबीडीडी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है 15 वोल्ट। इसका 1.7 भी ओके है और इसका 3.3 चेक करते हैं, ये देखिए 3.3 भी ओके है। इसका वी ऑन का जो है VGS, ये देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग आपको पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर बना है कि नहीं बना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि पैनल शॉर्टिंग रहता है तो वोल्टेज बन जाता है फिर भी पिक्चर नहीं बनता, लेकिन इस कंडीशन में देखते हैं क्या है रिजल्ट हमारा। ये देखिए दोस्तों हमारा पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट बन गया, डिस्प्ले देख सकते हैं आप लोग, डिस्प्ले आ गया नो सिग्नल का डिस्प्ले। ये देखिए अभी इसमें की लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये एक जिनर के जरिए हमारा पूरा पैनल ओके हो गया, जैसे देख सकते हैं आप लोग हमने एक जिनर इसमें लगाया है, बाईपास किया है, प्रोटेक्शन मोड से तोड़ा है इसको, हमारा पूरा पैनल ओके हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमारा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।